ये लीजिए बेगम साहिबा, आप फल नोश फरमाइए। एक बात कहूं, अगर बेटी हुई तो नाम मैं रखूंगा। अच्छा, और अगर बेटा हुआ तो? जाहिर सी बात है, नाम आप रखेंगी फिर। ठीक। अच्छा खैर, आप ये सब कुछ छोड़िए और ये फल खत्म करें जल्दी से। बहुत सारा। दो लोगों के लिए बेगम साहिबा। दो नहीं, चार लोगों के लिए लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे से का भी आप खा लें। मानूर बेटा, क्यों रो रही हो इस तरह? खाला, खाला हमें मुझे छोड़ के चला गया। कब तक इस तरह से रोती रहोगी? अपना नहीं तो अपने बच्चे का ख्याल कर लो, मेरे आमिर की निशानी का ख्याल कर लो। वो रोज मेरे ख्वाब में आता है, रोज। मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं उससे लड़ूंगी, पूछूंगी उससे कि क्यों इतनी जल्दी हम दोनों को छोड़कर चला गया। लेकिन जब वो मेरे सामने आता है, मैं सब भूल जाती हूँ। खाला, मैं उसे पागल कहती थी, अब मैं उसके गम में पागल हो रही हूँ खाला। ऐसा कैसे प्यार करता था कि हाथ पर भी प्यार आ जाए। बस नहीं था, बस खाला मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा जिद मत करो, तुम्हें पता है डॉक्टर समरा से कितनी मुश्किल से वक्त मिलता है, और फिर आज अल्ट्रासाउंड भी तो करवाना है। उसकी क्या जरूरत, बस एक महीना ही तो रह गया। अच्छा फिर वो ये जिद? खाला मेरा दिल नहीं करता घर से निकलने को। बेटा घर से निकलोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अब मुझे भी देख लो, जवान बेटा खोया है फिर भी जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ ना, इसलिए कि तुम उम्मीद से हो और तुम्हारी उम्मीद मेरी उम्मीद है। जी, यही जिम्मेदारी मुझे मरने नहीं देती, वरना आमिर के बाद मैं भी। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। चलो उठ जाओ। हाँ, शाबाश। देखो मानू, अगर आप ऐसे ही डिप्रेस रहोगी ना तो मामलात बहुत बिगड़ सकते हैं और सूरत हाल बहुत खराब हो सकती है। बच्चे की ग्रोथ पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, और इसके अलावा हो सकता है कि हमें ऑपरेट की जरूरत पड़े, जो मैं नहीं चाहती। नहीं डॉक्टर साहिबा, ऑपरेशन तक नौबत नहीं आनी चाहिए। ये बात तो आप अपनी बहू को समझाइए। एक हादसा तो पेश आ चुका, अब मैं नहीं चाहती कि दूसरे हादसे से ही गुजरे। मैं समझ सकती हूँ ये बहुत बड़े सदमे से निकली हैं। एक जान तो चली गई, अब अल्लाह पाक ने जो दूसरी जान दी है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। मैं तो बहुत समझाती हूँ इसे, आमिर अगर यहाँ होता, जिंदा होता, तो वो ऐसी बेहतियाती करने देता क्या तुम्हें? हाँ मेरे की तो निशानी है ये डॉक्टर साहिबा, ये ताज़ा हवा में नहीं जाती है, हर वक्त कमरे में बंद रहती है, दीवारों को तकती रहती है। उसकी आते और इस जान का सहारा ना होता तो शायद। सुन लिया आपने, इसी तरह की बातें करती है ये।
मेरा तो बेटा गया है, गिला तो मुझे भी है, वक्त तो मेरा था जाने का और वो चला गया, मगर मैंने अपने आप को संभाला है इसके लिए, इसके बच्चे के लिए। आंटी मेरा तो मशवरा ये है कि कुछ दिन के लिए आप इनका माहौल तब्दील कीजिए, अगर ये इस घर में रहेंगी तो डिप्रेशन का शिकार रहेंगी। डॉक्टर साहब पूरे दिनों से है ये, अगर अगर हम कराची चले गए तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? जी जी बिल्कुल, मेरी भी ये एडवाइस है कि आप जल्द अज जल्द इन्हें कराची लेकर जाएं, वहाँ डॉक्टर शहनाज होती हैं हमारे हॉस्पिटल की ब्रांच में, तो उन्हें मैं एक छोटा सा लेटर लिख दूंगी, इंशाल्लाह अजीज वो इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगी और बहुत अच्छी लुक आफ्टर करेंगी, और अभी दिन भी हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है तो फिर हम कराची चलेंगे। नहीं खाला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, फैसला हो चुका है। तुम्हारे अब्बा ने जब तुम्हें मुझे सौंपा था तो यही कहा था कि आप मानूर की बड़ी खाला हैं, आप इसे पाकिस्तान लेकर जा रही हैं, इसकी जिंदगी के तमाम फैसले अब आप खुद करेंगी। अल्लाह बख्शे मेरी अगर बहन जिंदा होती तो वो भी यही कहती। लेकिन खाला कराची? हाँ, तुम्हारे खालों का घर है ना वहां बेटा, यही आसान है। जब तुम्हारे खालों का इंतकाल हुआ था तो आमिर सिर्फ 14 बरस का था, घर काटने को दौड़ता था, दरों दीवार में तुम्हारे खालों की यादें बसी हुई थी, बस फिर मैंने बैग उठाया और यहां चली आई। अब तुम्हारी वजह से वापस जाना पड़ेगा। तो खाला फिर इस घर का क्या होगा? आप इसको किराए पे तो नहीं देंगी ना? क्यों, तुम्हारे खालू का घर किराए पर तो नहीं दिया था, हर चीज वैसी की वैसी पड़ी थी, हर साल मैं जाती थी उसकी सफाई करवाती थी, और अब ये घर वैसा ही रहेगा। मुझे मालूम है कि आमिर की यादें इस घर में बसी हुई हैं, हर साल तुम यहां आना, आमिर की बरसी हम यही मनाया करेंगे। आंटी खाना मुझे आमिर से मिलना है। मानूर बेटा, खाना प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मुझे कब्रिस्तान जाने दे, मैं आमिर से मिलने बगैर शहर से नहीं जाऊंगी। मानूर हमारे यहाँ औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती। लेकिन हमारे यहाँ कोई मर्द भी तो नहीं है खाला। मानूर बहस मत करो, हम कभी कब्रिस्तान नहीं गए, ना चचा के मरने पर, ना तुम्हारी खालू की कब्र पर, और ना ही आमिर की कब्र पर। हमारे यहां औरतें घर में दुआ करती हैं, कब्रिस्तान नहीं जाते। खाला बस फैसला हो चुका है, तुम कहीं नहीं जाओगी, बस कह दिया ना कहीं नहीं जाओ। तुम अपना सामान पैक कर लो, बस जरूरी कपड़े बैग में रख लेना, कल सुबह कराची के लिए रवाना होंगे। ये लो, हर रोज बच्चों की तरह सर पे खड़े होकर दूध पिलाना पड़ता है तुम्हें। आप क्यों करती हैं इतनी फिक्र? याद दिला देती मैं पी लेती। पी ना लेती तुम खुद। ये सामान पैक नहीं किया तुमने, कल जाना है हमें। चंद ही तो कपड़े है खाना, कर लूंगी। दूध पी लेना जरूर।
गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा, जाग जाइए। आपका पसंदीदा सैंडविच बना के मैंने रख दिया और ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। क्या मैं उठ गए थे तो मुझे ही उठा देते। आपको उठने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने पीएन की पुप्पी को बोल दिया, वो आज से आके सारा काम संभालेगी, आप उंगली भी नहीं लाएंगी, समझ आई? ओके। अच्छा मैं चलता हूँ, वेट कर रहा हूँ आपका। थोड़ी देर और रुक जाना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आइए, चाय पी के आना, ठीक है? मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आइए। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आइए।